ये देखिए फ्रेंड, मेरे हस्बैंड बेसन की पकौड़ी बना रहे हैं। इसमें बेसन, प्याज, मिर्चा, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा फूड कलर डाला हुआ है, और पानी से ऐसा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ऐसा पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए दूसरा ट्रिप डाल चुके हैं और ऐसा तल रहे हैं। मामा पकोड़ी आए, पकोड़ी मांग रही है। अब पहला ट्रिप इतना बचा है, ये देखिए। ये देखिए आज संडे है, तो संडे में आज छुट्टी रहता है इनका, तो वही इवनिंग नाश्ता बना रहे हैं। इधर सब बच्चे लोग खा रहे हैं। मेहर, आयत, माही, अरे इधर राज भाई भी खा रहे थे। खिलाई का आवाज, खिलाई की तब ना एक खाया ना, अच्छा लगा कि नहीं? ये देखिए आयत की हरकत, आयत की हरकत देखिए, ले लेके भाग रही है वन पीस। ये देखिए फ्रेंड, ऐसा कलर हो जाएगा उसके बाद निकाल देना है। कुरकुरी बनी है, निकालिए। हस्बैंड बोल रहे थोड़ा सा रुको, मैं बना रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा, तुम मत बोलो बीच में। बनाइए आप अपने हिसाब से, मैं बस शूट करूँगी। छूरे देखिए, ये दूसरा ट्रिप निकल रहा है। दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है, यम्मी, और टेस्टी है भी। ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा दिखाती हूँ, कितनी टेस्टी, कितनी कुरकुरी, कितने सॉफ्ट बने हैं ये बेसन के पकौड़े। इसको आप चाय के साथ या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है शाम के वक्त ये नाश्ता। ये देखिए फ्रेंड, इवनिंग का नाश्ता तैयार हो चुका है, बेसन का पकौड़ा और सॉस के साथ सर्व की हूँ मैं। ये रेसिपी आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो मेरे वीडियो को लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।